हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण पर। और मैं आज फिर रोजाना की तरह आपके सामने नया शेयर ढूंढ के लाया हूं। आपको पता ही है मैं रोजाना आपके सामने अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ के लाता हूं, तो आज फिर से वही एक और शेयर ढूंढ के लाया हूं। ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। चलिए डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज कौन से शेयर पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसका नाम है इनोवाना थिंक लैब्स लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका काफी बड़ा ब्रांड है इसका, और ये लगभग 126 देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। सोचिए, यूरोप, एशिया और यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी वगैरह, यूएसए, रशिया, सोचिए 13 वर्ल्ड वाइड वाली लैंग्वेजेस में ये अपने प्रोडक्ट बनाती है और 126 देशों को अपने प्रोडक्ट भेजती है। तो कितनी बड़ी कंपनी होगी। वैसे इसका ज्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, पर इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है और रिजल्ट पॉजिटिव आया है। रिजल्ट अभी आ ही रहे हैं लगातार जून क्वार्टर तक के, तो सबके पॉजिटिव ही आ रहे हैं ज्यादातर। कुछ ही कंपनियां हैं जो ठीक अभी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, सेम वैसे ही नई नई कंपनियां आ रही हैं। तो अब आईटी सेक्टर में अभी तक तो बूम आया नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे आने वाला है। चलिए आगे बताता हूँ। एक साल पहले इसका शेयर 129 रुपए का था और अब 422 पर चल रहा है। सोचिए, एक साल पहले 129 का था, अब 422 पर चल रहा है। एक साल में इसने भी अपना शेयर 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। यानी अगर आपने इस कंपनी के शेयर में एक साल पहले 1 लाख लगाए होते तो आज 3.5 लाख से ज्यादा हो गए होते एक ही साल के अंदर। वो तो जबकि आईटी सेक्टर इतना चल नहीं रहा है, जब ये हाल है, और चल रहा होता तो आपके 10 गुना तक हो सकते थे। चलिए अब आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इसका मार्केट कैप 937 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट आगे आने पर ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इस कंपनी के एमडी सीईओ मिस्टर चंदन गर्ग हैं और यह कंपनी 2015 में बनी थी। ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसीलिए अभी इसका मार्केट कैप इतना कम है। पर जैसे ही आईटी सेक्टर चलने लग जाएगा, वैसे ही इस कंपनी के शेयरों में बूम आ जाएगा और आपको बहुत तेजी से इसके शेयर बढ़ते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। उस हिसाब से भी इसने एक साल के अंदर ऑलरेडी 3 गुना से ज्यादा कर दिया है, पर फिर भी और आपको आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता देता हूं। इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 73.19%, रिटेल में 26.75% और FIIs का स्टेक 0.06% है। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, ये मेरी तरफ से कोई शेयर सेल और परचेज करने की एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शेयर मार्केट में रिस्क है और प्रॉफिट भी है, बट आपको अगर सही शेयरों को आप चुनाव करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, गलत का चुनाव करेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं। तो इसीलिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं रोजाना नए नए वीडियोस पोस्ट करता हूं और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोजाना आपके सामने ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।